खबर जयपुर से। मकर संक्रांति से पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों पतंगबाजी का शौक के परवान पर है। हर वो काटा वो मारा का शौक घूमता रहता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि पतंगबाजी के साथ साथ पतंग बेचने वालों ने भी अब तैयारियां कर ली है। पतंग बनाने वालों ने फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं तक की मुकुट वाले बाजार में उतार दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर जयपुर के विधायक या फिर नरेंद्र मोदी, हर किसी को आकाश की हवा दी है, तैयारियां कर रहे हैं पतंगबाज में। जयपुर में पतंगबाजी का शौक पुराना है और यहां रियासत काल से ही पतंगबाजी परवान पर रही है। यहां के राजाओं के शौक की वजह से ही जनता का भी पतंगबाजी को लेकर खासा रोमांच रहता है। मकर संक्रांति को दान पुण्य का त्योहार माना जाता है, लेकिन जयपुर में खास तौर से इस दिन सुबह तड़के ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाता है और हर छत पर रोशन होती है चरखी लिए हाथों से। इसलिए इन दिनों बाजार में भी पतंगबाजी को लेकर बाजार गर्म है और अलग अलग डिजाइनों की पतंग बाजार में छाई हुई है। महंगाई की मार में भी और पहले की तुलना में और दोनों महंगाई है। जहां इस बार चाइनीज मांग की वजह से उसका बाजार बरेली बाजार का माझा चला है। देखना यह है कि इस पतंगबाजी के शौक के चलते यहां के लोग परिंदों को बचाकर किस तरह से पतंगबाजी का शौक पूरा करते हैं। परिंदों को लेकर सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि परिंदों की उड़ान बनने के सुबह शाम के समय पतंगबाजी करने की मनाही है। अब मकर संक्रांति से पहले बाजारों में इसी तरह की धूम दिखाई देगी।